कोविड-19 से संक्रमित होम आइसोलेट किए गए मरीजों के समुचित इलाज और देखरेख के लिए गठित रैपिड रिस्पांस टीम की बैठक मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में CDO इंद्रजीत सिंह ने रैपिड रिस्पांस टीम से होम आइसोलेट मरीजों की स्थिति और उनकी समस्याओं की जानकारी हासिल की। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने निर्देश दिए कि होम आइसोलेट किए गए कोरोना संक्रमितों की स्थिति के संबंध में जानकारी लेते रहें और गंभीर मरीजों को तत्काल अस्पताल में शिफ्ट कराएं, जिससे समय रहते उनका उपचार किया जा सके। उन्होंने कहा कि जहां तक संभव हो होम आइसोलेट किए गए मरीजों का घरों में ही इलाज किया जाए, जिससे उन्हें लेवल 3 के अस्पताल में पहुंचने की स्थिति ना आनी पड़े। बहुत इफेक्टिव रहता है, उसके लिए रखा गया। आपकी जो लड़ाई है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो होम आइसोलेशन है वो सेफ रहे, उनको अवेयर करना है, हमारे पब्लिक को अवेयर करना है कोरोना से लेकर। डराना नहीं, जो डर लगा वो निकालना है। इसको अगर वैज्ञानिक तरीके से लड़ेंगे तो इसको जीत जाएंगे और इसके साथ जीना सीखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आपने अपना रिजल्ट खुद ही प्रूव कर दिया, ये कल गए नहीं है, कल तो जो पहले वाले थे उसमें दोबारा नहीं जा सकते। अब इसी के साथ ये 5-6 लोगों को दोबारा अलग से बुलाऊंगा, सुधरना ही पड़ेगा, काम करना ही पड़ेगा, परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, सबकी जान बचानी है। सीधी सी बात है, किसी की जान गई मैं RRT को खड़ा कर दूंगा, क्यों नहीं कहता। बाकी कोई कार्रवाई करेगा करे, मैं पहले कर दूंगा। सबसे कम अगर उसमें अच्छा, जो बात की डिस्कशन है उसमें कई फैक्टर आते हैं, सैंपलिंग कैसे हो रही है, टारगेटेड सैंपलिंग, पानी के बाद है नहीं, जो कल पॉजिटिव आएगा तीनों बाद मिला कि नहीं मिला। आज फोन जाएगा इनके इधर लखनऊ से जाएगा, 24 घंटे फोन होते हैं, क्योंकि जब तक सब लोग सुनिए, नोट करिए, आज मेरे ठेकेदार को बुलाया था गाड़ी के, कि सर 3 जगह अगर स्टाफ मेंबर है आपने आ रहा नहीं, और में भी अगर भागता है तो गोली मार देते हैं पीछे से, क्लियर का प्रॉब्लम होता है कि लड़ाई देख के भाग्या बहुत ही तो गोली मार दो, उसी तरह का एक्शन होगा ये अगर आप काम नहीं करोगे। तो आपको जाना है, सुन लीजिए, जो आपके पॉजिटिव आए इमीडिएट आपको वहां पहुंचना है, नेक्स्ट डे सुबह पहली ड्यूटी कि मेरे एरिया में कितने पॉजिटिव आए हैं, और उसको आप फोन पे संपर्क करिए, उसी दिन उनको टच करिए, सारा ब्रीफ करिए डिटेल में। RRT का जो आपका गवर्नमेंट ऑर्डर है उसको 3-4 बार पढ़ लीजिए, क्लियरली पढ़ लीजिए, जो जो कहा है वह करना है आपको जाकर। और कोई पेशेंट आपको लगता है कि ये होम आइसोलेशन में गलत है, तुरंत उसको बोलिए कि ये रिकमेंड करिए शिफ्ट करने के लिए, आप कंट्रोल रूम नोट कराइए, MIC में नोट कराइए, अपनी लिखित रिपोर्ट में दीजिए कि सर ये यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। ये अभी आपको बताया था डॉक्टर अश्विनी बनी MIC, आज उन्होंने मुझे एक एग्जाम्पल दी, एक आप सैजल जन्मा के उनका नंबर लीजिए, उनको आप उनके सरकारी नंबर पे फोन करिए, नहीं उठा रहे व्हाट्सएप करिए, लिखित तरीके कर दीजिए कि ये पेशेंट है, ये ट्रेस नहीं हो रहा है, इसमें मदद की जाए, वो लेखपाल को लगाएंगे वो ट्रेस कर देंगे, ठीक है। तो आप मजिस्ट्रेसी के अंदर लीजिए, पुलिस के अंदर लीजिए, कंट्रोल रूम में नोट कराइए, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी।